आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। वीआईपी पार्टी का वीआईपी पर्चा दाखिल, महिला कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतार, समीकरण बदला। खबर जनपद भदोही से है, जहां 16 फरवरी 2022 को विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी की तरफ से विधानसभा औराई से महिला प्रत्याशी बबीता ने चुनाव मैदान में ताल ठोक कर विपक्षियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। बबीता औराई विधानसभा से एक तेज तर्रार महिला प्रत्याशी के रूप में देखी जा रही हैं। माना जा रहा है कि बबीता के चुनाव मैदान में आ जाने से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच खलबली मच गई है। बिंद समाज के वोटरों पर वीआईपी पार्टी की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में जनपद भदोही में तेजी से उभरी वीआईपी पार्टी ने जनपद भदोही के औराई सीट से अपना प्रत्याशी उतारकर जनपद भदोही की सियासत में एक नया इतिहास जोड़ने का जबरदस्त प्रयास करने की कोशिश जारी रखी है। बबीता ने कहा कि मैं महिला हूं और महिलाओं के हक की लड़ाई सदैव लड़ती रहूंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, यह सब कहने की बातें हैं। जमीनी स्तर पर वास्तविकता कुछ और ही है। एक महिला ही महिलाओं का दर्द समझ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी महिलाएं दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। समानता के अधिकार की बात की जाती है, लेकिन क्या वास्तव में हमारे समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है? जनपद भदोही में औराई विधानसभा में अगर विकास की बात करें तो जीटी रोड को छोड़ दिया जाए तो पूरे विधानसभा में कितना विकास हुआ है, यह आम जनता बखूबी जानती है। औराई की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और इस परिवर्तन में मुझे विश्वास है कि औराई की जनता मेरा साथ देगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। 94 से चुनाव लड़ रही हूँ, मेरा विकासशील इंसान पार्टी है, मेरे चुनाव का नाम छाप नाव छाप है। किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य पे, रोजगार, रोजगार के लिए। अपने जीत को कितना प्रबल मान रही हैं आप? सबसे ज्यादा मान रही हूँ। मैं महिला हूँ, महिलाओं के भावनाओं को समझती हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ सभी महिलाएं हैं, मेरा समर्थन कर रही हैं और हर एक चीज में मैं बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहती हूँ और अपने महिलाओं के साथ कदम से कदम मिला के दुख सुख में हमेशा साथ चलना चाहती हूँ। वीआईपी पार्टी जिलाध्यक्ष रमापत केवट जी, क्या किस एजेंडे पर इस बार पार्टी चुनाव लड़ेगी? हमारे पार्टी का एजेंडा है, मेन है आरक्षण, उसके बाद नाल ताल घाट नदी नहर, बेरोजगार, छोटे बड़े सबका, सब वर्ग को लेकर हमारी पार्टी जो है आगे बढ़ेगी, एजेंडा है। तो ठीक है भाई, समाज से और प्रत्याशी हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। पार्टियां हैं, पार्टी तो प्रत्याशी तो हर पार्टी उतारती है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा मूल जो है कि हमारा जो प्रत्याशी है कैंडिडेट, हमारे जो प्रत्याशी हम उतार रहे हैं वो बबीता बेलदार, हमारी पार्टी इनके साथ है, इनका भरपूर सहयोग है और 100% हम लोग इनको जिता कर तब छोड़ेंगे। हम 100 से ऊपर उतारे हैं। 100 विधानसभा जनपद में एक सीट है हमारी बबीता बेलदार जो है औराई विधानसभा से। रविंद्र कुमार बिंद है, मैं 394 औराई विधानसभा वीआईपी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती बबीता बेलदार जी का हस्बैंड हूँ। तो बिल्कुल क्लियर है, हमारा औराई 394 विधानसभा जो भी लड़ेगा वीआईपी पार्टी से लड़ेगा। वीआईपी पार्टी का जनाधार इतना बड़ा है कि बाकी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो बिल्कुल एकदम बौखलाहट में आ गई है कि यार ये तो वीआईपी पार्टी एकदम विन कर रहा है, तो जो भी लड़ेगा हमारी वीआईपी पार्टी से लड़ेगा, हमारा किसी से लड़ना नहीं है। वीआईपी पार्टी अव्वल पार्टी है और वहाँ पे जनाधार हमारा अव्वल है। वीआईपी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।